जितनी भी फायर की माने तो तकरीबन तकरीबन 30 से 40 लोगों के भी ज्यादा फंसे होने की आशंका जो है वो भी है, क्योंकि फायर की माने तो जो यहाँ पर लोग थे जिनकी फैक्ट्री थी उनका कहना है कि जो थर्ड फ्लोर है वहां पर अभी और लोग भी जो है फंसे हुए, क्योंकि अब तक जो लोगों को निकाला गया था वो पहली और दूसरी मंजिल से निकाला गया था, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने उन सबसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि अभी तीसरे मंजिल पर और भी लोग जो है वो फंसे हैं। फायर की माने तो अभी फिलहाल स्थिति ये है कि जिस तरीके से अभी जो लोगों को निकालने का सिलसिला है उनके बचने के चांसेस जो है वो काफी कम है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है फायर की तरफ से। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, एक एक करके लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो आप देख सकते हैं कि अब एम्बुलेंस जो है वो आ रही है। इससे पहले भी जो एम्बुलेंस आई थी उसमें डेड बॉडी जो है वो लेकर आया गया था। अब आप स्थिति देख सकते हैं कि माहौल जो है वो यहाँ पर अफरा तफरी का यहाँ पर मरा हुआ है, लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आ रही है। स्थिति यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती जी जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि जो डेथ है कैजुअल्टी से वो और बढ़ सकती है और लगातार यहाँ पर कैजुअल्टी के मामले देखिए एक और डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर निकलती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी एक और जो है वो यहाँ पर गई है और एक के बाद एक जो है वो लगातार चीजें जो है वो सामने क्लियर होगी, यानी क्योंकि फायर की मैंने तो दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि बेशक फायर जरूर छोटी है लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सबसे बड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि एक के बाद एक तकरीबन अब तक जो है वो यहाँ पर 60 एम्बुलेंस जो है जा चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लगी है। यहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर भी है हमारे साथ, मैं कोशिश करूंगा उससे बातचीत करने के लिए। सर लगभग अब तक कितना यहाँ पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है? करीब करीब फिर भी अंदाजा कुछ अंदाजा अभी अभी आप देख सकते हैं। फिलहाल एक और एम्बुलेंस और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए ये अंदर की तस्वीरें हैं, एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो यहाँ पर निकल रही हैं। फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि अभी पूरा आंकड़ा जो है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गाड़ियों पे गाड़ियां निकल रही है, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर और भी लोग जो है वो फंसे हो सकते हैं, डेथ जो है वो और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी तक 10 कंफर्म हुई है और इसके बाद अब तक यहाँ पर हम जो है वो 2 डेथ बॉडी जो है वो देख चुके हैं और आंकड़ा और भी जो है वो बढ़ सकता है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो गलियां हैं, ये संकरी गलियां हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत फायर को इसी जगह पर हो रही है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं जा सकती है, बड़ी मुश्किल मशक्कत के चलते उनको अपनी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर भेजनी पड़ी है। वाटर जो आप देख सकते हैं पाइप जो है वो अंदर तक लेके जाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है ताकि आग जो है वो काबू सकती है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी रहती है, लेकिन ऐसे में जो फैक्ट्री चल रही थी उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रियाँ थी वो प्लास्टिक के मटेरियल की थी अकॉर्डिंग टू फायर और ये तीनों फैक्ट्रियाँ जो है वो अंदर इंटरकनेक्टेड थी। जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो टीमें हैं वो किस तरीके से बाहर निकल रही है और ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जाहिर सी बात है जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगातार चल रही थी वो नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे, इलीगल तरीके से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो है वो लगातार चल रही थी, जिसके कारण जो है आग जो है वो यहाँ पर लगी और अभी तक जितने लोगों की डेथ हुई है लोग को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। और अगर इस तरीके से इनलीगल इलाके के अंदर अगर फैक्ट्रियाँ चल रही है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एमसीडी और जो यहाँ के विभाग है वो क्या कर रहे थे, इस तरीके की जो फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। लगभग 5:20 के आसपास फायर को जो है वो कॉल मिली थी कि जो रानी झांसी इलाका है उसके अंदर ये अनाज मंडी है जहाँ पर ये जो आग है वो लगी है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पहुंची पहली मंजिल के अंदर, जो लोग थे उनको रेस्क्यू करते रहे जो है निकाला गया, क्योंकि वो बेहोशी की स्थिति में थे। आप देख सकते हैं ये टीमें लगातार आ रही है। उसके बाद जब यहाँ पर लोग पहुंचे उसके बाद फायर ब्रिगेड की तमाम आला अधिकारी जो चीफ फायर ऑफिसर है यहाँ पर पहुंचे, खुद मोनिका भारद्वाज जो कि नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार उनकी तरफ से जो बात की जा रही है उनमें ये था कि पहली मंजिल पर आग लगने की कॉल थी लेकिन ये जो आग थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उसके बाद पता लगा कि अंदर जो दूसरी मंजिल पर लोग रह रहे हैं उनको भी रेस्क्यू करके निकालना है, क्योंकि जो फैक्ट्री थी वो इनलीगल थी और जो लोग ऑनर थे वो उसको बताने की उसमें दी थे कि वो बता सके कि यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है और ऊपर लोग भी जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती गई, फायर की टीमें आगे बढ़ती गई, उसके बाद जब पता लगा कि ये जो लोग हैं वो पहली मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल तक जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है कि इस तरीके के एरियाज के अंदर अगर आप देख सकेंगे लाइन से देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है, अब तक 70 के आसपास एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, 35 के आसपास यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि आग जो है वो अभी कंट्रोल में जरूर है लेकिन जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती फायर के लिए उनको कैसे कैसे बाहर निकालना, क्योंकि फायर की माने तो उनका कहना है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके अब बचने की आशंका जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो स्थिति होती है क्योंकि जब धुआं अंदर फंसता है और लोग बाहर नहीं निकलते तो उसमें हालात काफ़ी कम बचते हैं ऐसे में लोगों के बचने के लिए, लेकिन जो लोग पहली मंजिल पर थे दूसरी मंजिल पर थे उनको जब बाहर निकाला गया उनकी जान जो है वो बचाई जा चुकी है, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग जो है वो अब तक बाहर निकल चुके हैं अकॉर्डिंग टू फायर, उनमें से कई लोगों को जो है बचाया जा चुका है, 10 लोगों की डेथ जो है वो LNJP अस्पताल में, क्योंकि पास ही का जो दूसरा अस्पताल है बारह हिंदुआ उसके अंदर भी लोगों को जो है वो लेकर के गया है लेके जाया गया है। अभी भी एक का एक जो है वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है।
अभी तक जो जानकारी मिल पाई, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत अभी किसी को भी नहीं है, क्योंकि जब फायर इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी, आग पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिरकार इस फैक्ट्री में काम क्या था। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चल पाया है कि पैकिंग मटेरियल का काम जो है वो इस फैक्ट्री के अंदर होता था, और ये फैक्ट्रियां जो थी वो तीनों इंटरकनेक्टेड थी, यानी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर के अंदर आप जा सकते थे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, इसी के जरिए ये जो है इंटरकनेक्टेड थी, जिसके चलते ये आग जो है वो बढ़ते 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 अंदर फंस गई और उसमें कई लोगों के फंसे के होने की आशंका थी। और ऐसे में जब फायर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए, और उसके अलावा जो आग लगी है उस पर भी काबू पाना जो है उसके लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आप संकरी गलियां हैं, आप ये देखिए कि कितनी पतली पतली ये सारी जो है वो गलियां हैं, और इस गलियों के अंदर आसानी से फायर जो है वो नहीं जा सकती है, और ऐसे में चुनौती यही थी कि कैसे फायर को अंदर तक लेके जाए जो गाड़ी है, क्योंकि ये तकरीबन यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है वो पूरा घर है जहाँ पर ये आग जो है वो लगी थी, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो यहाँ पर जो है बनी हुई है। सर सर ये बताइए कि सर कितनी परेशानी हुई, सर कितनी परेशानी हुई इसको लेकर के, जब तक देखिए ये आप देख रहे हैं गली बहुत छोटी है, इसमें एक बार में एक ही गाड़ी आ सकती है, एम्बुलेंस भी एक एक करके जा रही है, तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक संग 10 गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा आसपास कोई पानी का साधन नहीं है, पानी का भी दूर से लाना पड़ा है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह आई किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे बहुत सारे आदमी अंदर हैं, जब हम आए तो नोबडी वाज देयर टू टेल अस हाउ मेनी पीपल आर इनसाइड, सो हमने जब अंदर गए तब हमें पता चला, तो हमें जो है शुरू में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आदमी अंदर है, तो हम शायद और बहुत ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि हमें ये मिली थी केवल आग लगी हुई है, और अनफॉर्चुनेटली हम बावन करीब आदमी यहाँ से निकाल चुके हैं अभी तक। अंदर क्या ये तीनों फैक्ट्रियां इंटरकनेक्टेड थी, उसमें काम किस चीज का होता है? ये बेसिकली जो है ये वो है, क्या कहते हैं, गत्ते वत्ते हैं, कागज वागज है, डब्बे वब्बे बनाते हैं, मेरे ये घर का रेजिडेंस समझिए, यही काम भी करते हैं, यही सोते भी हैं, जो कि एक एक रूम में हमको 10-10 लोग मिले हैं। कॉल मिली थी आपको, कितने लोगों की फंसे होने की आशंका बताई गई थी? ये किसी ने नहीं बताया था, यही मैं कह रहा हूँ, हमको ये बताया था केवल अगाज मंडी में एक बिल्डिंग में आग लगी है, किसी ने ये नहीं बताया था इसमें आदमी फंसे हुए हैं।